खुला एरिया उनको मिल गया अपने कंट्रोल पे। टीम एक्स पार्क के सारे उनको टेक डाउन किया गया है। फाइट जो यहाँ पे ब्रेक डाउन होती हुई नजर आई है। कैमन ईस्पोर्ट्स उनकी मुश्किलें तो खैर रुकने का नाम लेके नहीं, और टीम एक्स पार्क उन्होंने लिटरली चेज किया है कैमन ईस्पोर्ट्स को, और एक बार फिर से एक फाइट खत्म हो गई। दूसरे टीम के ऊपर धावा बोलते हुए नजर आएंगे, और इस बार विंड वार्ड वो उनके चपेटे में आते हुए नजर आएंगे। एक नॉक निकालना जरूर किया और अब डीपीएस पे स्विच किया, डैमेज बहुत ज्यादा दिया है। एक और बुलेट का कनेक्शन और वो आएगा अभी, बट फ्रे गॉड वो थोड़ा अकेले फंस गए वहां पे, और मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई टीम एक्सपार्क एक्सपार्क ये यहां पर एलिमिनेट कर सकती है पूरी तरीके से, पर जी नहीं सवितार S12K के सामने आए क्लोज रेंज पे वो स्कारल से वो नॉकआउट निकाला। अभी आ गए हैं शैडो, एक और बस नॉकआउट निकालना है उन्हें, लेकिन क्या निकाल पाएंगे? शैडो होने नहीं देंगे, ये अकेले यहाँ पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है शैडो को, ये हिल टॉप होल्ड करना पड़ेगा। विंड गॉड पीछे ब्लीड आउट हो रहे धीरे धीरे करके, सवितार अकेले बचे हुए हैं, नेट कुक किया जा रहा है, जगह पे बस जाने की देर है इस नेट की। लेकिन देखिए सवितार उनको कुछ अभी करना ही पड़ेगा, डीपीएस के फटके ऑलरेडी पड़ चुके हैं ऊपर, हाथ में गलती से मिनी 14 आ गई वो नेट। ईस्टर्न शिफ्ट है और हम चर्चाएं करते भी हैं कि लॉस्ट उससे बाहर की तरफ सर्कल जाते हुए नजर आता है, बट टीम एंटिटी वन एंटिटी एक बार फिर से फाइट्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट वो अपना दिखाते हुए नजर आएंगे, और इस बार टीम रेवेनेंट की मुश्किलें बढ़ा रहे, सेंस से नहीं बच पाएंगे। इस कर रहे हैं एक 2v4 का सिनेरियो जहां अभी के लिए तो रेवेनेंट बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्लेस और एक मनाफ से जिम्मेदारी निंजा जॉर्ड को इसी बीच में खत्म कर दिया जाता है। फिर से देखिए निंजा जॉर्ड का ही यहां पर हमें एलिमिनेशन देखने का मौका मिलेगा। फिलहाल एक्सपार्क 10 फिनिश पॉइंट्स कैसे निकाल गए, कब निकाल गए, किसी को पता नहीं लगने दिया, बट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो इस मैच में एक्सपार की नजर आ रही है। पोजीशन काफी अच्छी नहीं है ओरैंगुटान गेट की, किए जा सकते हैं आइकोसोल के द्वारा, जोन को प्रायोरिटी देना पड़ेगा आइकोसोल को, बट उन्हें पता है कि देखिए टाइम थोड़ा सा है अभी भी, तो इस टाइम के अंदर ही वेट करते हैं, धीरे धीरे करके जोन के अंदर बढ़ेंगे जरूर, बट ओरैंगुटान को जोन में आने के लिए आइकोसोल का सामना करना है या फिर एक बड़ा रोटेशन। ये भी ठीक है, अब देखना ये है कि क्या वो पोषण करेंगे अपनी, बट वहीं दूसरी तरफ सारंग और टीम एक्सपार्क वो रुकने का बिल्कुल भी नाम ले नहीं रहे, एक के बाद एक वो जो फिनिशेस है उसकी लड़ियां लगाई जा रही हैं, और इस बार मुश्किलें सीएस की बढ़ाई जा जरूर रही थी, बट फ्रैगर एक पलटवार किया है, सारंग को उन्होंने टेकडाउन किया, वहीं दूसरी तरफ फ्रैगर वो मैक्स क्रश का भी जो फिनिश है वो सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। जरा पोजीशन चेंज करने की आवश्यकता, बिल्कुल भी जोर शोर कुछ नहीं मचाया उन्होंने इस मैच में, पर देखिए टॉप 10 में जरूर आ चुकी है और सर्कल का अच्छा हिस्सा भी उनके कंट्रोल में रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, स्टार्ट होने वाली थी बहुत देर से, लोग एक दूसरे के पड़ोसी थे जरूर, लेकिन वो ग्रेनेड थोड़ा बहुत डैमेज देगा जरूर, एज थोड़ा मिसकैलकुलेट उन्होंने किया है और वहां पे उनको टेक डाउन किया जाएगा, और मान्या उनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक, एक ही ओपी की बात करें उनको टेक डाउन किया जाएगा, और टीम ओरैंगुटैन उन्होंने जो जाल बिछाया था वो उसमें खुद फंसते हुए नजर आएंगे। एंड आइकोसोल आउट ऑफ नोवेयर, ये फाइट उनकी जीतने लायक थी भी नहीं, वहां से फाइट जीतते हुए नजर आएंगे, बचते हैं मात्र ड्रिगर, और यहां से निकलने के अलावा और कोई ऑप्शन उनके पास बचता नहीं, और शायद निकल भी ना पाए। जी हाँ देखिए ड्रेगर की एचपी कितनी ज्यादा लो है, इनफैक्ट उनकी गाड़ी की एचपी भी बहुत ज्यादा लो रहेगी। मान्या को सबसे पहले रिवाइव किया जा रहा है।